डमो अर्हं उडमो सिद्धाडम् उडमो आयुरियाडमोयाढम् उडमो लो पंच परमिष्ठि भगवंतों की आचार्य भगवान उमा जी मुनि महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवन गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की श्रुत संवेगी श्रमण मुनि श्री आदित्य सागर जी मुनि महाराज की तीन कम नौ करोड़ महामणिराजों की आचार्य प्रवर भगवत उमा स्वामी जी महाराज भव्य जीवों को संबोधित करते हुए सात तत्वों की प्रूपणा कर रहे हैं जो कि सम्यक रूप से हैं क्योंकि तत्वों के यथार्थ ज्ञान के बिना मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं होता और मूल तत्व सम्यक दर्शन है और जब तक सम्यक दर्शन नहीं है दस्थान का पूरा ज्ञान भी क्यों ना हो जाए मुक्ति संभव नहीं है क्योंकि आगम में वर्णित है अभव जीव भी ग्यारह अंग का पाठी हो जाता है लेकिन उसे मुक्ति नहीं मिलती उसका कारण केवल एक होता है उसे मोक्ष तत्व श्रद्धा नहीं है वह संपूर्ण क्रियाएं करता है मुनियों की लेकिन क्यों करता है उसके पीछे एक रहस्य है उसका भी कारण होता है उसके कार्य सिद्ध अवस्था के घटित नहीं हो रहे हैं उसका कारण एक है क्योंकि सारी व्यवस्थाएं कारण कार्य व्यवस्था पर निहित हैं तो ध्यान रखना तो सद्धिदी दी रोचे दी तह प्रणोवी फासेदी दी धम्म भोग निमित्तम न दु कम खय निमित्तम जो अभाव जीव की प्रकृति होती है वो क्या करता है सिद्धान करता है प्रतीति करता है रुचि करता है लेकिन उसकी जो प्रवृत्ति होती है धर्म के लिए धम्मम भोग निमित्तम भोग के निमित्त से वो संपूर्ण क्रियाएं करता है न तो कम क्षय निमित्तम कर्म क्षय के लिए कोई भी प्रवृत्ति नहीं करता इसलिए वो संसार में ही रहता है क्यों उसे पता है कि निर्गंत मुनि बनेंगे तो स्वर्गों में उत्कृष्ट भोग मिलेगा इस उद्देश्य से उसकी सारी चर्या रहती है लेकिन हम जैन हैं जैनों के लिए आचार्य भगवंतों ने कहा है आप जब भी कोई भी क्रिया करो कोई भी क्रिया करो उसके लिए वो एक उद्देश्य पीछे रखा हुआ है आप सुबह सुबह उठ करके जब पूजा आराधना करने जाते हैं तो एक बात होती है अर्थ पौराणिक देव बंदना क्रियायाम पूर्वाचार्य क्रमेण सकल कर्म क्षयाथम भाव पूजा वंदना स्थव समितम श्री चैत भक्ति का स्वर्ग हम करो मैं हम कायोसर भी किया है किस उद्देश्य कर्म क्षयाथम कर्म की क्षयार्थ जो भी हमने क्रिया की है केवल उस लिए हम उस उद्देश्य कार्य को करते हैं ना कि लौकिक इच्छाओं के लिए समय दर्शन की बात चल रही ध्यान रखना नहीं तो समय दर्शन भी नहीं हो पाएगा श्री सम्य दर्शन को जानने के उपाय बतला रहे हैं कल हमने एक सूत्र पढ़ा था प्रमाण नयय रधिगमा इस सूत्र का अर्थ क्या है प्रमाण और नय के द्वारा वस्तु के यथा इता, का यथार्थ ज्ञान होता है वस्तु तत्व की पदार्थों के ज्ञान के लिए हमें प्रमाण और नय को समझना पड़ेगा अब प्रमाण और नए क्या होते हैं उसे समझते हैं पहले पूछ लें फिर व्याख्या पढ़ेंगे संजय भैया पांच नंबर सूत्र बतलाइए बैठ के बोलो हाथ जोड़ लो तस्तन्यास न्यासाह न्यास बिस्तर लगा है ना बोलिए जिनेन्द्र भैया जिनेस भैया नाम स्थापना हाँ आगे बोलो हाँ द्रव कहाँ गया नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासा चलिए माँ अभी पूछ रहे हैं क्या पूछ रहे हैं वो हमको उत्तर देना है सात तत्व कौन कौन से हैं जी ऐसा नहीं सूत्र सुनाओ जीवा जीवा जीवा, जीवा। चार बार है नहीं अच्छे से बोलो फिर गड़बड़ हो गया तीन बार बोल दिया जीवा जीवा आश्रव अजीव नहीं आना शब्द जीवा आश्रव मोक्षा तत्व सुनाइए पीछे आपसे जो पीछे देख रहे हैं हाँ यही सूत्र सुनाना है चलिए पांच नंबर सूत्र सुनाइए दूसरा इसके बाद आगे वाला कल जो पढ़ाया था सुनाओ आप सुनाओ हाथ जोड़ लीजिए बिना से जनमानी सूत्र बिना से पढ़ना है मोक्ष मार्ग क्या है सब लोग इस साथ बोलो मोक्ष मार्ग क्या है भैया जी पांच नंबर सूत्र बोलिए इसका अर्थ क्या है पुस्तक कहाँ आपकी आओ समय पर सामने आ जाओ जल्दी आओ क्लास में सामने बैठो चलिए चिरंजीव जी याद है कि नहीं सुनाओ तीन नंबर देख के नहीं इसका अर्थ क्या है तन निसर्गाधि तो तत्नी वह वह मतलब क्या पूर्व में किसकी चर्चा चली सम्य दर्शन वह सम्य दर्शन निसर्गज और अधिगमज के भेद से दो प्रकार का है ऐसा अर्थ वहाँ ग्रहण करना है ठीक है आगे बढ़ते हैं कोई बात नहीं बैठ जाओ आ जाओ उधर भैया एक पास बैठ जाओ चलिए आगे अपन बढ़ते हैं एक बार और मंगलाचरण के माध्यम से उमा स्वामी जी महाराज ने क्या उपदेश दिया कि भगवान कैसे हैं कैसे हैं हाँ बहुत बढ़िया और हाँ सर्वज्ञ हैं बहुत अच्छे तालियां बजाओ इनके लिए संजय भैया समझ रहे हैं सब है ना हाँ आएगा आएगा पूरा आएगा चिंता नहीं करो चलिए आगे बढ़े अपन अब क्या कहा कि दर्शन तथा तत्वों को जानने के उपाय क्या हैं किताब दो ना पत्र रखिए हो दे दो तो सबसे पहले कह रहे हैं कि प्रमाण और नयों के से पदार्थों का ज्ञान होता है ये क्यों लिखा यहां पर जानने का उपाय केवल प्रमाण और नए है तो सबसे पहले प्रमाण क्या होता है प्रमाण जिससे हित की प्राप्ति हो और अहित का परिहार हो जाए हित की प्राप्ति हो और अहित का परिहार हो जाए वो है प्रमाण क्योंकि तो बिना सत्य ज्ञान के आप हित और अहित का विवेक नहीं लगा सकते आपको पता है यहां से बाहर जाओगे तो बहुत तेज धूप है माना कि धूप है तो आप धूप में निकलोगे क्या बहुत तेज जलने वाली धूप है निकलोगे क्या तो, तो जब तक ज्ञान नहीं होगा यथार्थ कि धूप में जल जाते हैं तब तक आप उसका परिहार नहीं कर सकते एक चीटी को भी ज्ञान होता है पानी ने अगर डला हो तो वो रास्ता मोड़ लेती है क्यों उसे पता ही योग्य स्थान नहीं है तो ऐसे ही आपको भी पता है जब आपका मन मचले होटल जाने के लिए आलू प्याज लहसुन खाने के लिए रात्रि भोजन करने के लिए तब वहाँ आप घटित करना कि मेरा ज्ञान सम्यक है कि नहीं जैसे रात्रि भोजन करने का विचार आए और ग्रास मुख में जाए तो वहां सूत्र घटित करना हित की प्राप्ति और अहित का परिहार किससे होगा ज्ञान से होगा, होगा। रात्रि भोजन करने से आचार्य भगवंतों ने कहा है वो जीव समय दृष्टि नहीं होते जो रात्रि भोजन करते हैं केवल समय की व्याख्या पढ़ने मात्र से आप समय दृष्टि नहीं हो जाओगे हम रोज़ अपनी क्लास में एक बात जरूर कहते हैं पढ़ने के साथ उसको अपने आचरण में भी लाओ नहीं तो पढ़ने का मतलब नहीं निकलेगा जैसे गाड़ी में लगे अंगूर होते हैं ऊपर लटके रहते हैं चमकदार होते हैं अच्छे दिखते हैं लोग उनको उनको लुभावनापन उनमें रहता है अरे बहुत सुंदर हैं लेकिन उनको खाने के बाद उनमें कोई स्वाद नहीं होता ऐसे ही संपूर्ण आगम को पढ़ लो लेकिन उसका आचरण अपने जीवन में नहीं आया तो प्लास्टिक के अंगूर की भांति स्वाद रह जाएगा विचार करना है समझ गए तो प्रमाण क्या है हित की प्राप्ति और अहित का परिहार करने वाले ज्ञान को वो है प्रमाण जो हित की प्राप्ति कराए अहित का परिहार करने में समर्थ हो वो है प्रमाण नए क्या है जो वस्तु के एक देश को कहता है वस्तु के एक देश को कहता है या सामान्य से परिभाषा समझो पहले प्रमाण की सकला देशा प्रमाणाधीना जो सकल को ग्रहण करता है समस्त वस्तु के को ग्रहण करता है वो है प्रमाण जो एक देश को ग्रहण करता है वो क्या है नए जैसे उदाहरण देते हैं यदि एक तालाब में हाथी की सूर्ण दिख रही है तो आप क्या कर लेते हो कि वहां पर हाथी है पूरा हाथी नहीं दिख रहा फिर भी आपको एक अंश का ज्ञान हो गया एक अंश को देख करके आपने जान लिया कि वहां पर हाथी है जाने ना ऐसे जब पूरा हाथी बाहर निकलेगा तो वो प्रमाण रूप है ठीक है सकल को जानने वाला प्रमाण है और एक देश को जानने वाला नय है सामान्य सी परिभाषा हो गई है आ गई समझ में आ गई विकलादेशा नया धीना, सकला देशा प्रमाणाधीना दिखली परवासा तो सकल को जानने वाला प्रमाण और कुछ अंश को जानने वाला नए है वो नए और प्रमाण प्रमाण कितने हैं कितने दो ही हैं। कितने कराने? प्रमाण कितने हैं पांच ज्ञान जो हैं वो प्रमाणित हैं अब दो कौन से हैं प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से दो प्रकार का प्रमाण होता है उनमें पांच ज्ञानों को घटित करना है तो प्रत्यक्ष ज्ञान कौन सा है हाँ बस केवल ज्ञानी है हा, देखो हाँ देखो ज्ञानी लोग हैं यहां पर अगर अपन बात करते हैं और ऊपर जाओ ये सब भेद छोड़ दो प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से प्रमाण दो प्रकार का है पहला भेद प्रत्यक्ष है तो प्रत्यक्ष ज्ञान कौन सा है जो केवल ज्ञान है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है और शेष सब जो ज्ञान हैं वो कैसे हैं परोक्ष हैं लेकिन एक दृष्टि और सामने है कि जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो केवल आत्मा से ही होता है ज्ञान से ज्ञान को हम जानते हैं इसलिए संपूर्ण ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान ही है ज्ञान से क्योंकि ज्ञान से तो जानोगे जो जानोगे ज्ञान से जानोगे तो ज्ञान से, तो से जानने वाला ज्ञान भी प्रत्यक्ष ही है जो ज्ञान किसी दूसरे इंद्रिया आदि सहायता के बिना पदार्थों को स्पष्ट जानता है उस ज्ञान को क्या कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं तो इंद्रियां किसकी नहीं है केवल ज्ञानी की इंद्रियां नहीं होती इंद्रियातीत हैं वो इंद्रियों से नहीं जानते ज्ञान से ही जानते हैं बारहवें गुणस्थान तक पर ज्ञानी होते हैं पहले से बारहवें तक पर ज्ञानी होते हैं मन की सहायता से जान रहे हैं तो, चौथे से सब तो जानते ज्ञान से लेकिन यहाँ पर व्याख्या प्रमाण की चल रही है तो चौथे गुणस्थान से घटित करना बारहवें गुणस्थान तक जो छदमस्त जीव हैं उनका परोक्ष ज्ञान है ठीक है अभी सामान्य व्याख्या करना बड़ा करेंगे तो ऊपर चला जाएगा समझ लो तो और परोक्ष ज्ञान क्या है जो ज्ञान इंद्री और प्रकाश आदि की सहायता से पदार्थों को जानना है वो क्या है ज्ञान परोक्ष ज्ञान है जैसे अभी लाइट जल रही है तो आपको ज्ञान हो गया अंधेरे में आप जब प्रकाश करते हो तो दिख जाता है कि वस्तु कहाँ रखी है तो किसी की सहायता से जाना है अभी जो ज्ञान चल रहा है वो क्या है परोक्ष तो है जो हम आपको बोल रहे हैं आप हमारे द्वारा समझ रहे हो शब्द बरगणाओं को समझ रहे हो वो क्या है परोक्ष ज्ञान ही है हम जान रहे हैं तो किससे पुस्तक से देखकर जान, जान रहे हैं ग्रंथ से देखकर जान रहे हैं परोक्ष ज्ञान है समझ में आ हाँ गया वैसे और आगे बढ़ते हैं अब उस नए के भेद और सुन लो के कितने भेद हैं दो भेद नए के भी हैं कौन कौन से एक द्रव्यार्थिक नय दूसरा पर्यायार्थिक नय कौन सा नए आप कौन से बोल रहे थे अभी पर्यार्थिक नहीं पर्यायार्थिक। आप लोग बोलते पर्यार्थिक नय परार्थिक नय कोई नहीं होता पर्यार्थिक नय जो पर्याय को ग्रहण करे जिसका अर्थ प्रयोजन पर्याय होता है वो पर्यार्थिक नए और जिसका प्रयोजन द्रव्य होता है वो द्रव्यार्थिक ये परिभाषा है सामान्य से समझ में आ रहा है सबको कठिन तो नहीं हो रहा जो लोग नए आए हैं उनको थोड़ा कठिन लगेगा चलिए तो जो द्रव्य नय द्रव्य को जानता है सामान्य से परिभाषा जो नए द्रव्य को जानता है वो द्रव्यार्थिक नए तो जो सात नए हैं उनमें से नैगम और संग्रह व्यवहार और नए ये कैसे हैं द्रव्यार्थिक हैं और जो नए पर्याय को जानता है वो कौन से नए हैं? पर्यायार्थिक नए हैं, तो संग्रह नये सूत्र नए, शब्द नए, संभिरूढ़ नए और एवं भूत नए ये पर्यायार्थिक नए होते हैं सात भेद हुए नए के नैगम संग्रह व्यवहार रजुसूत्र शब्द समभ्यू रूडम भूतम नया एवं भूत नए ये चार जो नए हैं वो कैसे हैं पर्यायार्थिक हैं दो जो नए हैं तीन जो नए हैं वो द्रव्यार्थिक हैं द्रव्य की अपेक्षा से कथन होता है चलिए परिभाषा समझ समझ में आ गई सबको आया नहीं आई नहीं समझ में क्या एक देश हाँ वो भी व्याख्या आगे आएगी अपन को केवल इतना समझना है कि जो द्रव्य का कथन करे जो द्रव्य का कथन करे वो द्रव्यार्थक नहीं जो पर्याय को ग्रहण करे वो पर्यार्थक ने इतना समझ लो बाद में पूरा सब चीजें क्लियर होंगी अभी तो समझ लो ठीक है अब आगे अपन बढ़ते हैं और तत्वों के उपाय जानने के क्या हैं तो आचार्य भगवान अगला सूत्र फिर कह रहे हैं चार पांच सूत्र ऐसे हैं जिनमें लिखा लिखा रहेगा कि तत्वों के जानने के उपाय क्या हैं तो चार पांच सूत्र ऐसे हैं जब भी हम पूछेंगे तो आप चार सूत्र से कोई भी उत्तर दे सकते हो ठीक है तो अब ध्यान रखना तत्वों की और रत्नत् को जानने के उपाय क्या हैं उन्हें कह रहे हैं निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता पढ़िए चलिए यहां कह रहे हैं निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण अधिकरण स्थिति और विधान इन छह अनियोगी विधियों के द्वारा भी तत्वों और रत्नत्रय का ज्ञान या लोक व्यवहार होता है तो निर्देश क्या है वस्तु के स्वरूप या नाम के कथन को निर्देश कहते हैं परवासा उसमें लिखी होगी पुस्तक में आपके पास है है परवासा उसमें तो ये ध्यान रखना वस्तु के स्वरूप या उसका नाम का कथन करना निर्देश है मतलब कोई पूछे तो प्रश्न करें तो उस वस्तु का नाम क्या है कोई निर्देश करता है उस वस्तु का नाम क्या है तो नाम बता देना निर्देश हो जाएगा जैसे ये कौन है यहाँ सबसे आगे बैठे कौन है निखिल भैया जी हैं, ठीक है आगे उनका स्वामी कौन है मतलब उस वस्तु के स्वामी का पना कौन है स्वामी पना किसके अंदर है स्वामित्व किसका है वस्तु का स्वामी कौन है माना कि आपके पास चश्मा है तो उस चश्मा का स्वामी कौन है आप ही तो हो है ना वस्तु ग्रहण करना यहां पर वस्तु का नाम सबसे पहले वस्तु का नाम क्या है चश्मा फिर उसको स्वामित्व किसका है जिसका चश्मा होगा वो स्वामित्व हो जाएगा आंगे उसकी उत्पत्ति का कारण मतलब साधन क्या है कैसे बना प्लास्टिक है कांच है और भी कुछ मशीनें हैं सब इसमें साधन ग्रहण करना कि वस्तु की उत्पत्ति का कारण क्या बना वो साधन हो गया तीसरा अधिकरण उसका आधार क्या है किस आधार पर बना वो समझ गए आया समझ में ये टेबल का आधार क्या है ये टेबल का आधार क्या है इस माइक का आधार क्या है हाँ आधार क्या है ये टेबल इसका आधार क्या है ये वाली टेबल इसका आधार क्या है जमीन है ना तो आधार समझना है आधार कहां पर इसका ठीक है अधिकरण क्या है तो वस्तु के आधार को अधिकरण कहते हैं अभी समझ में आएगा समय दर्शन से घटित करेंगे पूरा वैसा क्लियर हो जाएगा तीसरी दूसरी बात चौथी बात है स्थितिकरण स्थिति वस्तु के ठहरने की काल की मर्यादा को स्थिति कहते हैं कि वस्तु कितने काल तक रहेगी ये भैया जी कब तक रहेंगे यहाँ पर ऐसा कोई पूछे निखिल नाम के भैया जी हैं वस्तु है दूसरा उसका स्वामी कौन है या तो अभी जिसके आश्रय में रहे हैं रह रहे हैं आदित्य सागर जी इनके स्वामी हैं और दूसरा वह किन साधनों से बनी है आचार्य भगवान ने इनको दीक्षा वो बो, क्या बोलते हैं ब्रह्मचार व्रत दिया तब से ये किन साधनों से बने वो अपन घटित करेंगे इनकी वेशभूषा भाई ड्रेस है बती हैं एक टाइम भोजन करते हैं दो टाइम भोजन करते हैं सब साधन घटित कर लेना तो ये साधन हो गया कहाँ रखी रहती है ये वस्तु कहाँ रखी रहती है बाजू वाले कमरे में आपको मिलेगी है ना और इनकी काल की मर्यादा कितनी है ये कब तक रहेंगे यहाँ पर भी कब तक रहेंगे जब तक हम लोग हैं तब तक यहीं रहेंगे काल की मर्यादा हुई अभी सामान्य से ग्रहण करना फिर इनके कितने भेद हैं इनके कितने भेद हैं जब ये गुस्सा करें तो अलग भेद मुस्कुराएं तो अलग भेद शांत रहें तो अलग भेद अलग अलग भेद हो गए हो ना ग्रहण करना है कब कहाँ बैठते हैं तब तो अलग अलग भेद आएगा अभी ये वह कमरे में नहीं है वहाँ हैं गुरुजी के पास हैं तब तो अलग अलग भेद करना समझ में आ रहा है अभी आंगे छह बात हो गई पूरी अब सम्य दर्शन से घटित करो अपन ने सम्य दर्शन पढ़ा पूर्व में तो सम्य दर्शन क्या है पहला प्रश्न क्या लिखा सबसे पहले निर्देश सम्य दर्शन है क्या तो अपन पढ़ क्या है तत्वा सिद्धानम सम्यक दर्शनम जीवादि तत्वों पर सिद्धान करना सम्य दर्शन है तो पहला निर्देश हो गया दूसरी बात कि सम्य दर्शन किसके होता है किसके होता है सामान्य जीव को होता है और किसी को नहीं होगा जीव को हुआ और भी जाओगे आएंगे तो भी में आएंगे अब उसका साधन क्या है कितने साधन हैं? दो एक अभ्यंतर एक बाहर एक भीतरी वाला एक बाहर वाला सामान्य भाषा से बोले तो अभ्यंतर शब्द नहीं आ ना अभ्यंतर शब्द समझ में आ रहा है समझ में आता अभ्यंतर मतलब अंदर वाला और भैरंग मतलब बाहर वाला तो दो प्रकार के साधन हैं भैरंग और अंतरंग साधन होते हैं तो बाय साधन किस प्रकार के हैं बाय साधन क्या है सुनो नारकी के लिए तीसरे नरक तक का कारण है नारकी जी जो समय दर्शन प्राप्त करते हैं तीसरे नरक में सम्य प्राप्त कर सकते हैं सम्य दसम से रह भी सकते हैं तो वहाँ पर तीन कारण हैं कौन कौन से तीव्र वेदना जाति स्मरण और धर्म श्रवण वहाँ पर हो सकता है कोई देव जाकर के उनको संबोधन कर सकता है वेदना होती है और जाति स्मरण भी हो जाता है क्योंकि अवधि ज्ञान तो है अवधि ज्ञान है लगाते हैं हम कहाँ थे तो तीन प्रकार की वहाँ कारण बनते हैं जाति स्मरण धर्म श्रमण और वेदनानुभव तीव्र वेदना का अनुभव चौथे से लेके सातवें नरक में दो कारण बनते हैं एक जाति स्मरण और एक वेदनानुभव कारण समझ गए दो साधन बने समय दर्शन के एक पहले से तीसरे नरक तक का उसके बाद चौथे से सातवें नरक तक का, का कारण चौथे से सातवें में धर्म उपदेश करने कोई नहीं जा सकता देव भी नहीं जा पाएंगे ठीक है आगे मनुष्य और त्रेंच गति में तीन कारण होते हैं कौन कौन से एक जाति स्मरण दूसरा धर्म स्मरण और तीसरा जिन बिंब दर्शन जिन बिंब दर्शन कैसे समझ में आया एक बार एक कथा थोड़ी सी करते हैं कि एक बार एक पेड़ में मूर्ति रख दी गई तो एक हाथी को आपने सुना होगा दृष्टांत की हाथी अभिषेक कर रहा था उस पेड़ के ऊपर पता था कि जिन वो व्यक्ति पूर्व जन्म का था उसने प्रतिमा वहाँ पर रख दी थी तो वो हाथी बन गया किसी कारणवश और जाकर के वो पानी लेकर कलश से अवश्य करता था तो उसको जाति स्मरण भी हो गया और जिन भी दर्शन जैसे किया समय दर्शन भी हो गया तो जिनमें दर्शन सी समय दर्शन की प्राप्ति होती है किसको त्रेंच और मनुष्यों को आगे देवों के बारहवें स्वर्ग तक चार कारण होते हैं जाति स्मरण धर्म श्रमण और जिन महिमा दर्शन और जिन देव रिद्धि दर्शन देवों की रिद्धियाँ देख करके और जिन देव के दर्शन करके जाति स्मरण भी होता है और साथ में धर्म श्रमण भी होता है कितने स्वर तक बारहवें स्वर्ग तक उसके बाद तेरहवें से सोलहवें स्वर तक तीन कारण हैं जाति स्मरण धर्म श्रमण और जिन महिमा दर्शन नौवें गिर में देवों के कारण जाति स्मरण और धर्म श्रमण आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो फिर ये क्लास यहाँ चलती है इसमें आप देख लेना अभी लिखने का समय नहीं है सुन लो ठीक है उसके बाद आगे अब अनुस और अनुत्तर विमानों में रहने वाले देवों की यहाँ कल्पना नहीं करते क्योंकि वहाँ पर समय दृष्टि जीव ही रहते हैं बारहवें गुड़स्थान तक मिथ्या दृष्टि जा सकता है कहाँ पर बारहवें स्वर्ग तक उसके आगे जो भी होते हैं वो सब समय दृष्टि ही रहते हैं इसलिए वहाँ सम्य की व्याख्या नहीं है दूसरा भेद अपन ने किया था अभ्यंतर उसको अब यहां घटित कर रहे हैं समय दर्शन का अधिकरण क्या है अधिकरण क्या है अभ्यंतर और बाहे पहले बाहे तो ने देख लिया अब अभ्यंतर में क्या है भेद सुनो दर्शन मोहिनी का जो ने पूर्व व्याख्या पूरी थी दर्शन मोहिनी का उपसम छप जब होता है सात प्रकृतियों का उपसम सात प्रकृतियां कौन सी बतलाओ सात प्रकृतियां कौन सी हैं गाओ जल्दी एक मिनट रुको आप नया आए हो क्लास में ऐसा लग रहा है है ना हाँ बहुत बढ़िया सात प्रकृतियों में जब छय होता है उपसम होता है छय उपसम होता है तब समय दर्शन की प्राप्ति होती है ये अंतरंग कारण है और सबका एक सा है किसी का अलग अलग नहीं है सबका एक सा है चाहे क्षय हो चाहे उपसम हो चाहे छय उपसम हो ये अंतरंग कारण बाह्य कारण बनने जान लिए अब समय दर्शन का अधिकरण क्या है वो सुनते हैं उसके भी दो भेद अभ्यंतर और बाह्य अभ्यंतर अधिकरण क्या है जिस समय दर्शन का जो स्वामी है वही उसका अभ्यंतर अधिकरण है छायक है तो उसका जो स्वामी होगा वो उसका अभ्यंतर अधिकरण उसी का आधार वही तो रहेगा जिसको हुआ है वही तो उसका अधिकरण होगा आगे बाह्य अधिकरण क्या है इस लोक नाड़ी के बाहर समय दर्शन नहीं होता तो आधार क्या है कहां होगा लोक नाड़ी के भीतर ठीक है अब लोकनाड़ी कितनी बड़ी होती है तो एक राजू और चौदह राजू लंबी एक राजू चौड़ी और चौदह राजू लंबी होती है आ गया समझ में आधार समझ में आ गया उसके बाद अब बची स्थिति किसकी कौन सी स्थिति है कौन से सम्वे दर्शन की कैसी स्थिति है वो जानना है तो समय की स्थिति औपमिक सम्वे की जघन्य और उत्कृष्ट स्थितियाँ होती हैं कितनी अंतर मुहूर्त एक अंतर मुहूर्त दर्शन की जगन और स्थिति कैसी है एक अंतर मुहूर्त उसके बाद बदल सकता है की संसारी जीव की जगन स्थिति अंतर मुहूर्त की और उत्कृष्ट स्थिति आठ बस अंतर मुहूर्त कम दो पूर्व कोटी ठीक है तैतीस सागर आया समझ में अब आपको स्थिति जानना है आपकी स्थिति कितनी है अभी वर्तमान में आयु की स्थिति कितनी है पता है किसी को नहीं पता तो ऐसे समय दर्शन की स्थितियां हैं कि जगन्न और उत्कृष्ट समझ में आया उत्कृष्ट जैसे अंतर्मुहत चालू होगा लास्ट में कितना होगा अब छायक बालिक बता दिया है तो आठ वर्ष मुहूर्त कम और दो पूर्व अधिक तैतीस सागर और मुक्त जीव की आदि अनंत है स्थिति कैसी रहेगी आदि अनंत है आदि से अनंत तक समय दर्शन उनका जाएगा नहीं छाया दसन्ध की छाया समय दसन की स्थिति कितनी है जगन स्थिति अंतर् मुहूर्त और उत्कर्ष स्थिति छियासठ सागर उपम ये स्थितियाँ हो गई ठीक है जैसे आप बोलते हो दूध लेकर आए दुकान से किसी के यहाँ से दूध लेकर आए उसकी मर्यादा की स्थिति कितनी है जब दूध लेके आए हो वहाँ से घर तक जब तक 48 मिनट नहीं हो रहे तब तक वो दूध सुरक्षित है नहीं तो उसके बाद अगर मर्यादा क्रॉस हुई उसकी तो उसमें उसी जाति के पंचेंद्रीय जीव उत्पन्न हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति जानना ऐसे समय दसम घटित करना है अब प्रश्न उठता है अगला कि समय दसम के कितने भेद हैं तो आप समझते ही हो समय दर्शन की अपेक्षा से सामान्य से एक ही भेद है समय दर्शन और फिर अपन ने पड़ा पूर्व में निसर्गज और अधिकमज के भेद से दो प्रकार का है और आगे जाओ तो ऑप्शन तीन प्रकार का है इस प्रकार समझना शेष कल विचार करेंगे और शब्दों की अपेक्षा से समय दर्शन कितने प्रकार का है संख्यात प्रकार का है ठीक है शेष कल समय आपका हो गया महाराज जी को बुला ला भैया समझ में आया सबको हाँ नहीं आया कल फिर से थोड़ा सा व्याख्या से करेंगे बस इतना समझना कि समय दर्शन को पन्ना विषय लिया है वस्तु की इस, इस, का नाम ले लिया सम्य दर्शन फिर उसकी स्वामीपना कौन है फिर उसके बाद उसकी क्या स्वामी के बाद साधन क्या है उसके साधन कैसे उत्पन्न होता है कहाँ से क्या होगा उसका फिर उसके बाद अधिकरण कहाँ पर होता है वो जानना है उसके बाद उसकी स्थिति क्या है और उसके भेद क्या है इतने तो जानना है तो सरल तो है ठीक है चलिए अब देखो जहां जिनवाणी बरस रही है बाहर पानी बरस रहा है और पंच परमेश्वरी भगवान की मुनिश्री आदित्य सागर जी महाराज की